हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके सामने आई हूँ आज एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने लो बीपी के बारे में। क्योंकि ये आजकल वैसे तो बारिश का मौसम है, बट कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कहीं बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो बिल्कुल गर्मी जैसा माहौल हो गया है और गर्मी जैसी परेशानियां भी हम सबको देखने को मिल रही हैं, जैसे हाई बीपी होना, लो बीपी होना, ये सब बहुत हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लो बीपी के बारे में कि अगर किसी का अचानक से लो बीपी हो जाता है तो आप उसे घर में कैसे सही कर सकते हैं। और ये प्रूव किया हुआ है, ऐसा सही भी होता है। मैंने भी एक दो बार अपना बीपी ऐसे ही सही किया है। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया है कि आप लोगों का भी अगर बीपी लो होता है तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आप वो तीन चार उपाय हैं उनको अपना के आप भी अपना बीपी नॉर्मल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जब हम लोगों का बीपी लो होता है तो हम लोगों के साथ क्या क्या होता है। तो नॉर्मली हम लोगों को जब बीपी लो हो जाता है तो हम लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, खड़े हैं तो आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाएगा, चक्कर आएंगे, जी मिचलाएगा, और कभी कभी बीपी लो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोगों को उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं, और सर में मेन यहाँ पर बीच में बहुत दर्द होता है। हम लोगों को बिल्कुल सर जैसे लगता है सर फट रहा है, इस टाइप के लक्षण होते हैं। काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और ज़्यादा बीपी लो होने पर हाथ पैर भी ठंडे पड़ने लगते हैं हम लोगों के, और सर तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो इन सब तकलीफ़ों से हम लोग गुजरते हैं। तो हम लोग और काम भी हम लोगों के पास बिल्कुल कमी नहीं है, एक के बाद एक काम लगे होते हैं, बच्चों के, घर के, और भी फैमिली मेम्बर हैं सबके। तो आप लोगों को आज मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और दिन भर में आप वो उपाय बार बार करते रहेंगे तो आपका बीपी लो जो होगा वो घर में ही सही हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं आपको आगे भी बताती हूँ। तो अभी तो मैंने बताया आपको कि बीपी के क्या लक्षण होते हैं। जैसे किसी किसी को नहीं भी पता होता है, किसी के साथ फर्स्ट टाइम वो बात हो रही होती है और किसी को नहीं पता होता है बिना डॉक्टर को दिखाए कि आपका बीपी लो हो रहा है, तो अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका बीपी लो हो रहा है। तो आपको ये भी इलाज कर लेने हैं जो मैं आपको बताऊँगी, और वो घर के ही इलाज है, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग के घर में हमेशा पास में ही डॉक्टर अवेलेबल हो, तो कुछ फर्स्ट एड आप कर लेंगे तो आप डॉक्टर के यहाँ जाने तक बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये भी आपको बताना चाहूँगी कि बीपी लो हो क्यों जाता है। कभी कभी तो बीपी लो हम लोगों का पानी ना पीने से होता है, बहुत से लोग कम पानी पीते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि हम लोगों को ज़्यादा पानी पीना चाहिए। क्योंकि पानी जितना ज़्यादा पिएंगे, हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में भी तो पानी ही है, तो ब्लड हम लोगों का तभी फास्ट तोड़ेगा जब हम लोग पानी पिएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग दिन भर में पानी बहुत पीजिए। और आजकल बहुत जगह गर्मी जैसे ही माहौल हो गया है, बहुत धूप हो रही, बहुत उमस हो रही है, इससे लो ब्लड प्रेशर के केस बहुत बढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी खूब पानी पीजिएगा और अच्छी डाइट लीजिएगा। बहुत से लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, अच्छी बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, उसकी वजह से भी बीपी लो हो जाता है आपका। तो आप लोग जब भी आप लोगों का किसी का भी बीपी लो होता है तो आप लोगों को मेन बात ये ध्यान रखनी है कि आप जैसे आपको चक्कर आ रहा है तो आप ज़्यादा चलिए फिरिए मत, थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स करिए, लेट जाइए कहीं पर हवा में, जैसे आपको ठंडी हवा मिल रही हो। जैसे किचन में हाउस वाइफ हम बहनें किचन में ही काम करते रहते हैं लगातार, तब भी हम लोगों का बीपी लो हो जाता है लगातार गर्मी में खड़े रहने से। तो लगातार खड़े होने से बचिए और जाकर रिलैक्स करिए थोड़ी देर। अगर आपको ये सब लक्षण है जो मैंने आपको बताए तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए और नींबू पानी लीजिए। अगर आपके घर में नींबू अवेलेबल है तो आप आधा नींबू पानी, उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा करके डालिए। नमक हमारी बॉडी में जैसे ही जाता है तो हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो तेज़ी से दौड़ने लगता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज़ी से होने लगता है। तो ये अजमाया हुआ नुस्खा है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि नींबू और नमक को पीजिए। और इसके अलावा आप कॉफ़ी पी सकते हैं, और कॉफ़ी पीनी आपको स्ट्रॉन्ग, अगर नींबू पानी आपने पी लिया है तो जस्ट उसके बाद आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है, थोड़ा एक दो घंटा रुक जाइएगा उसके बाद कॉफ़ी पीजिएगा। और दिन भर में आप तीन चार कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपका जो बीपी लो हो रहा था, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया था, वो एकदम से फास्ट हो जाएगा और आपको रिलैक्स हो जाएगा बिल्कुल। अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा आपका बीपी, और आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो दिन जैसे हम लोगों के एक दो दिन तबीयत खराब रहती है बीपी लो की वजह से, तो उस एक दो दिन में आप अपनी कॉफ़ी बढ़ा दीजिए, नींबू पानी बढ़ा दीजिए, बिल्कुल लेवल में आ जाएगा आपका। जब हम लोगों का सामान्य से कम हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन तभी लो बीपी हो जाता है।
होता है, और किसी किसी को हाई बीपी होता है, उसकी तो उनकी परमानेंट दवाई चलती है। लेकिन लो बीपी में जहाँ तक हो आप दवाई ना खाएं तो भी अच्छा है, आपके घरेलू उपचार से ही आपका बीपी सही हो जाएगा। और आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी बीपी लो हो रहा है, क्योंकि वो अपने खान पान सही से नहीं कर रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, कुछ भी खाया, बाहर का खा लिया, कुछ भी खा लिया और उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो पौष्टिक तत्व जो हम लोगों की बॉडी में जाने चाहिए वो नहीं जा पाते हैं, तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा प्लीज़ कि बच्चों को अच्छी डाइट दें। और आप लोग खुद भी, आप लोगों के ऊपर, जैसे मेरी हाउस वाइफ के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, तो आप लोग भी अच्छी डाइट खाइए, खाने में कमी मत कीजिए, क्योंकि आप लोग सबका ख्याल रखते हैं तो आप लोग अपने खुद का भी ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप अपनी फैमिली को देख पाएंगे। और एक ज़रूरी बात और भी बतानी थी कि अगर आपका फास्ट है तो एक दिन पहले अगर, और आप अगर नमक बहुत हल्का खाते हैं और आपका फास्ट है, तो ऐसे लोगों का बीपी लो और जल्दी होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप एक दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी पी लें, ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी पिए, तेज़ नमक डाल के। अगर आपको नींबू नहीं अच्छा लग रहा है, किसी को खट्टा नहीं पसंद आता है, तो केवल पानी में ही नमक डाल के पी लीजिए, तो इससे आपके अंदर जो नमक रहेगा स्टोर रहेगा, तो आप फ़र्क देखेंगे कि दूसरे दिन जब आपने फास्ट किया है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी नमक कम खाते हैं तो बीपी लो की शिकायत उन्हें ज़्यादा होती है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप तेज़ नमक खाइए, ऑलवेज तेज़ नमक खाना भी अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग नमक तो हल्का ही खाइए, लेकिन अगर आपका बीपी लो होता है तो आप ये सब काम कर सकते हैं जो मैंने बताए, घरेलू उपाय। और इसके अलावा आप अनुलोम विलोम जो होता है वो भी कर सकते हैं, उसको करने से अगर आप रेगुलर अपने रूटीन में अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो आपको बीपी लो की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आपका बीपी बिल्कुल अच्छा रहेगा अगर आप सुबह के टाइम में योगा करते हैं। और ज़्यादा देर किचन में या कहीं भी गर्मी में अगर आप ज़्यादा देर खड़े हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करिए, थोड़ी देर हवा में बैठ के फिर अपना काम करिए, इससे आप बीपी लो की शिकायत से बचे रहेंगे। और कुछ लोगों का तो अनुवांशिक होता है कि बीपी लो है, बीपी की प्रॉब्लम अगर किसी मम्मी पापा में से किसी को होती है तो बच्चों में भी आ जाती है, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है अगर हम लोग उसका परहेज करते हैं, हम लोग उसको अच्छे से कैसे टैकल करना है हम लोगों को बीमारी को, तो इससे आप लोग बचे रहेंगे बिल्कुल बीपी लो से अगर आप ये घरेलू उपाय कर लेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और मेरी यही इच्छा रहती है कि सब लोग स्वस्थ रहें। और जो भी छोटी छोटी बातें मुझे पता होती हैं तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो के सहारे आप लोगों को भी बताऊँ, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय फ्रेंड्स।